साहिल, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि फिर सुप्रिया सुले और साथ ही शरद पवार कैंप के अन्य प्रमुख चेहरे वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि नंबर गेम हमारे साथ है। अब जिस दिन से ये पार्टी दो फाड़ हुई रविवार से, उस दिन से ये बात लगातार कही जा रही थी, किस आधार पर ये कहा जा रहा था जब हलफनामे पर दस्तखत हो चुके थे, कानूनी प्रक्रिया जिसका जिक्र छगन भुजबल कर रहे हैं वो हो चुकी थी, फिर किस आधार पर ये हो रहा था दावा? देखिए अफिडेविट जो है ना, अफिडेविट को लेकर ना दावे प्रतिदावे होते रहेंगे, जब तक इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई नहीं होती है ना तब तक ये दावे प्रतिदावे इसी तरीके से चलते रहेंगे। और आपने सुप्रिया सुले का जिक्र किया, इसीलिए कहना बहुत जरूरी है कि जो स्टेज पर जिसका जिक्र अंजना कर रही थी कि स्टेज पर शरद पवार का फोटोग्राफ लगा हुआ है, पवार कल शरद पवार कह चुके हैं कि मेरी अनुमति के बिना मैं जिंदा हूं, मेरी अनुमति के बिना मेरा फोटोग्राफ का इस्तेमाल मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी किया गया है, लेकिन किसका फोटोग्राफ यहां पर नहीं है? तो सुप्रिया सुले जो पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट बनाई गई थी शरद पवार से, उनका फोटोग्राफ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह कि यह सक्सेशन की लड़ाई है कि शरद पवार के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा। आज की स्थिति में अजीत पवार का दावा है कि भाई मैं ही संभालूंगा, इसीलिए आपका फोटोग्राफ लगा रहा हूं, सुप्रिया सुले का फोटोग्राफ यहां नहीं लगेगा और इसीलिए उनका फोटोग्राफ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उससे लोगों को कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि देखिए शरद पवार बाद में हमारे साथ ही आएंगे, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आप पेशेंस रखिए। भुजबल ने भी वही बात रखी कि पेशेंस रखिए, आखिर में जीत हमारी ही होगी, पूरा लीगल ओपिनियन हमारे साथ है। शुरुआत में एकनाथ शिंदे भी यही कहते थे कि पेशेंस रखिए, महाशक्ति हमारे साथ में है। यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि हम सरकार में शामिल हुए हैं राज्य के भले के लिए, और यही बात शरद पवार ने 2014 में देश की बीजेपी को बात इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार इस पावर प्ले में कौन जीतेगा। लेकिन साहिल, आपने खुद स्पीकर राहुल नार्वेकर से बात की थी, अब उनका रोल इसमें क्या होगा? क्या शिवसेना जिस तरीके से दो फाड़ हुई थी तब उस तरीके से वो एक अहम भूमिका में सामने आए थे, अब इस बार भी उसी तरह की भूमिका वो निभाएंगे? देखिए नेहा, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि अभी विधायकों के मन से एंटी डिफेक्शन लॉ का डर चला गया है, क्योंकि शिवसेना के मामले में अभी तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में 1 साल लगा, चुनाव आयोग का फैसला आने में 6 महीने लगे, और अभी भी विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सारे अधिकार इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के पास दिए गए हैं, और विधानसभा अध्यक्ष को सबसे पहले यह तय करना है कि असली पार्टी कौन सी है, और उसमें इतना समय लग सकता है जिस तरीके से राहुल नार्वेकर ने इस बारे में अपनी बात रखी थी। तो जो पहले माना जाता था कि 2/3 अगर आपके पास नहीं है स्ट्रेंथ के तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उसे बाईपास करके एक नया रास्ता निकाला गया है, ठीक है? तो जिसकी वजह से अब विधायकों में ये डर किसी भी तरीके से नहीं है कि अगर हम लोग बाहर निकलते तो हम पर कोई कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि जब पहले दिन 9 विधायकों ने शपथ ली तब वहां पर कितने विधायक थे? 17 विधायक भी नहीं थे, उसके बावजूद शपथ ग्रहण किया गया। इस बारे में कोई चेक नहीं किया गया कि सचमुच में इनके पास बहुमत है कि नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, सरकार बनाने की जरूरत नहीं थी, सरकार को समर्थन देने की बात थी, वो राज्यपाल का अधिकार था नहीं, वो स्पीकर के पास जाना था। तो नंबर गेम के मामले में, नंबर गेम की विधानसभा के अंदर जरूरत नहीं है, ये लीगली स्पष्ट हो चुका है। नंबर गेम की जरूरत इलेक्शन कमीशन के सामने लगेगी, उसकी तैयारी शुरू हो गई है, अफिडेविट इकट्ठा किए जाएंगे, कुछ लोग 2-2 अफिडेविट भी फाइल कर सकते हैं।